प्रेरणा कथा विनम्रता। एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, धन के भंडार भरे हुए थे, जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, उसके पास राज्य की सभी शक्तियां थी। वो शक्तिशाली राजा अपने पद और शक्ति के कारण बहुत गर्व करता था। एक दिन उसके दरबार में एक संत आए और उन्होंने राजा से कहा, महाराज आपको अपनी शक्ति और अपनी धन संपदा का गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें अस्थाई हैं। एक दिन या तो तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे या ये सभी चीज़ें तुमको छोड़ देंगी। राजा को संत जी की बात समझ में नहीं आई, उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी संत जी ने कहा, तुम जितने विनम्र होते जाओगे प्रभु की शक्ति तुमको प्राप्त होती चली जाएगी। प्रभु की शक्ति से तुम अपने राज्य और प्रजा का और भी भला कर सकोगे। राजा का गुस्सा सीमा पार कर गया और वह बहुत जोर से गर्जा, मुझे विनम्र होने की क्या जरूरत है? मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है और मेरी संपत्ति अथाह है, सिर्फ एक उंगली उठाने भर से ही हजारों लोग मेरी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ से चले जाने का आदेश देता हूँ। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार खेलने गया, उसके साथ उसके मंत्री और बहुत से दरबारी भी थे। राजा ने एक बहुत ही खूबसूरत हिरण देखा, उसने उस सुंदर हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। उसके दरबारियों ने कुछ देर बाद उसको वापस चलने को कहा, क्योंकि वह बहुत दूर निकल आए थे, परंतु राजा नहीं रुका। राजा अपना घोड़ा सरपट दौड़ाता रहा और कुछ ही देर में अपने दरबारियों और मंत्रियों से दूर निकल गया। हिरण तो जंगल में ना जाने कहाँ गायब हो गया। राजा ने फिर भी उस हिरण का पीछा करना नहीं छोड़ा। एक स्थान पर उसने फिर से उस हिरण को देखा, परंतु वह हिरण फिर से गायब हो गया। अचानक राजा ने घोड़े को और जोर से एड़ लगाई और घोड़ा जोर से उछला, घोड़ा संभल नहीं सका और नीचे गिर गया। राजा भी घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया। राजा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। घोड़ा और राजा बहुत देर तक जमीन पर पड़े रहे। कुछ देर बाद कुछ डाकू उधर से गुजरे, उन्होंने एक धनी घुड़सवार को घोड़े के साथ नीचे गिरे हुए पाया। उन्होंने राजा के गहने, धन और महंगे कपड़े सब ले लिए, वे राजा के हथियार भी ले गए। जब राजा को होश आया, उसने खुद को बिना कपड़ों और हथियारों के बहुत ही असहाय पाया। उसको अचानक उस संत की बातें याद आने लगी, एक दिन या तो तुम इन सभी चीज़ों को छोड़ दोगे या ये सभी चीज़ें तुमको छोड़कर चली जाएंगी। राजा के मन में बहुत ग्लानि होने लगी। उसको अब ये मालूम हो गया कि उसके घमंड ने उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया था। राजा ने आंखें बंद करके एक प्रार्थना की, हे भगवान, इस विकट परिस्थिति में मुझे सहयोग कीजिए, मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। अचानक उसने एक शेर की दहाड़ सुनी। राजा तो भय के मारे कांपने लगा। उसने देखा कि शेर की दहाड़ सुनकर उसका घोड़ा होश में आ गया था। राजा ने राहत की सांस ली, उसने भगवान को धन्यवाद कहा और तुरंत कूदकर अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस स्थान से दूर भाग गया। वो उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके मंत्री और दरबारी चिंतित होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बस उस घटना ने ही राजा का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। वो बहुत ही विनम्र हो गया और मन ही मन संत जी को धन्यवाद देने लगा। उस दिन के बाद वो अपनी जनता से बहुत ही प्रेम से व्यवहार करने लगा और घमंड त्याग दिया। मित्रों, इस राजा की तरह हमको कभी भी किसी ऐसी विकट स्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमको शुरू से ही विनम्र रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। हम ये विनम्रता का अभ्यास घर में ही शुरू कर सकते हैं। अपने माता पिता, भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मीठा बोलिए और विनम्र व्यवहार कीजिए। अपने शिक्षकों का आदर कीजिए और सभी को सम्मान दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी विनम्रता को देखकर सभी लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। इस गुण का विकास करने में कुछ समय तो लगेगा, परंतु ये असंभव नहीं है। कोशिश तो कीजिए।